क्या हुआ ऐसा कि बिक गया धरती का स्वर्ग? कौन बना इस स्वर्ग का नया मालिक? कितने में खरीदा गया ये स्वर्ग? आखिर कैसी दिखती है ये खूबसूरत जगह? चलिए देते हैं आपको हर डिटेल। नमस्कार, मैं हूँ हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। सोचिए कितना मजबूर होगा वो देश जिसे चंद पैसों के लिए बेचना पड़ जाए अपना ही शहर। किसी भी देश के लिए अपना शहर बेचना उतना ही दर्दनाक होगा जितना अपने शरीर के किसी अंग को खुद से अलग करना। शायद कुछ ऐसे ही दर्द से इस समय जूझ रहा है मिस्र। जी हाँ, बेहद मुफलिसी में जी रहे इस देश ने एक एक करके अपने कई प्रमुख शहर गंवा दिए हैं और उन्हीं में से एक है धरती का स्वर्ग कही जाने वाली ये खूबसूरत जगह। रिपोर्ट्स की माने तो काफी समय से मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा इस शहर को बेचने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जाकर इस मामले पर आधिकारिक मोहर लग पाई है। दरअसल समुद्र के किनारे बसे मिस्र के इस ऐतिहासिक शहर का नाम है रास अल हिकमा। वर्ल्ड फेमस माउंटेन व्यू देने वाला ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत शहरों में से एक है। सुंदर बीचेस, साफ पानी और शांत माहौल के लिए मशहूर ये जगह इकोनॉमी के लिहाज से मिस्र की लाइफलाइन रही है। कई स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के शौकीन यहाँ अद्भुत मरीन लाइफ देखने के लिए आते रहे हैं। टूरिज्म के मामले में करोड़ों सैलानियों का दिल जीत लेने वाला ये शहर $35 अरब में बिक गया। मिस्र के इस शानदार शहर को यूनाइटेड अरब एमिरात ने अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदने के तुरंत बाद ही यूएई ने वहां कई प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू होने की बात भी कही। यही नहीं बल्कि इस देश ने स्वर्ग रूपी रास अल हिकमा में लगभग $150 अरब का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाया है, जिसमें मिस्र की 35% साझेदारी रहेगी। आपको बता दें कि अगर ये प्लान कामयाब रहा तो आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस देश के इतिहास में ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया कि फिलहाल मिस्र की फाइनेंशियल कंडीशन बेहद खराब चल रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर है और इसी के चलते उसके लोकल इंस्टीट्यूशंस पर अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। यहां तक कि उसे दूसरे देशों से किसी भी तरह का कर्ज मिलना भी बंद हो गया है। हाल ही में जब उसने सऊदी अरब और यूएई से कर्ज की गुहार लगाई तो मिस्र के हाथ निराशा ही लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हीं दोनों देशों और कतर ने मिस्र के शहर खरीदने में खासी दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि मिस्र अपने कई होटल्स और डेस्टिनेशन स्पॉट्स भी बेच रहा है। कहा जा रहा है कि अब रास अल हिकमा के बाद मिस्र रेड सी पर बना हुआ अपना फेमस टूरिस्ट स्पॉट रास कामिला भी जल्द ही सऊदी अरब को बेच देगा। मिस्र की हालत कहीं ना कहीं बाकी देशों के लिए भी एक सबक और वेकअप कॉल है। देश और दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्रेस करें हमारा बेल आइकन और बने रहें इंस्टाफीड के साथ।